आनंदवन येथील आरती दिगंबर चंद्रवंशी हत्या प्रकरणातील आरोपी समाधान माळी याने वरोरा पोलीस ठाण्यात बुटाच्या लेसने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. मृत आरोपी समाधान याने प्रेयसी आरती हिची हत्या करण्यापूर्वी तिचा बलात्कार केला होता अशीही माहिती समोर आली आहे. आनंदवन येथे वास्तव्यास असलेल्या अंध वडील आणि आईची मुलगी असलेल्या आरती चंद्रवंशी या मुलीची आरोपी समाधान माळी याने बुधवारी 26 जून रोजी रात्री 8:30 वाजता धारदार चाकूने हत्या केली होती. आरोपी समाधान याला वरोरा पोलिसांनी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. 28 जूनपासून आरोपी माळी वरोरा पोलीस ठाण्यात कोठडीत होता. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रेम प्रकरणातून आरोपीने आरतीची हत्या केल्याचे समोर आले. मात्र हत्या करण्यापूर्वी आरोपी समाधान याने आरतीवर बलात्कार केला होता अशी माहिती तपासात उघडकीस आली. घटना उघडकीस आली तेव्हापासून आरोपी डिप्रेशनमध्ये होता. दरम्यान रविवार 30 जून रोजी सकाळी आरोपी पोलीस कोठडीत त्याने पायाच्या बुटाची लेस काढून गळपास लावून आत्महत्या केली. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले असता त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे. जो भी तपास के दरम्यान और कबूल किया कि उन्होंने उन्होंने रेप किया उसके बाद उसको मारा है, तो इसी के हिसाब से हम जब उसको विचार पूछ माने विचार इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन करने समय उन्होंने भी वो बोला कि उनसे बहुत गलती हो गया कि वो जल्दीबाजी में उन्होंने कर लिया, बट उन्होंने पहले से प्लान करके रखा है. जब उनके शादी करने के लिए वो लेडी इनकार किया और जो भी उनके ऊपर संशय थे लेडी के ऊपर उसके हिसाब से वो तैयारी में था, क्योंकि जो भी चाकू है उन्होंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, वो भी मार्च महीने में खरीद के रखा था. उनको पता है उनके फैमिली के मदर फादर सेवाग्राम को निकलने वाला है उस दिन, उसी के दिन जब वो लोग निकल गया उसी दिन उन्होंने उनके घर में जाके उनको रेप करके मार दिया. उसी के दरमियान अलर्ट था बट मॉर्निंग जब गार्ड उधर हाजिर नहीं था उसी टाइम उन्होंने बाहर से जो शू मिला है नज़दीक उनका खुद का शू का लेस निकाल के उन्होंने अंदर का जो बाथरूम के पास जो डोर है डोर को कोने में उसका हिंज है उसको तो लेस थोड़ा बांध करके वो नीचे बैठ के खुद ज़बरदस्ती हैंग करके मर गया. तो इसी से कस्टोडियल डेथ का है तो 174 जो भी ईडी है दाखिल कर लिया हमने, ईडी दाखिल कर लिया, सीएडी को लेटर भी दे दिया और जो भी प्रोसीजर है कि जेएमएफसी कोर्ट जेएमएफसी जो भी जज हैं जेएमएफसी का उन्होंने इंक्वेस्ट कर लिया हनी स्पॉट पंचनामा एसडीएम और तहसीलदार एसडीएम को लेटर दे तो तहसीलदार ने स्वतः आके उनका स्पॉट पंचनामा भी किया और उसका पोस्टमार्टम के लिए उनका बॉडी को हमने चंद्रपुर को शिफ्ट किया गया है. जब वो रिलेटिव पहुँच जाएंगे उनका रिलेटिव जलवा में रहता है उनका मम्मी और उनका मामा दोनों निकल गया है वो जो जब पहुंच गया तो उसके हिसाब से उनके परमिशन से हम करके उनको हैंड ओवर करेंगे. तो बाकी पूरा प्रोसीजर चालू है.